आप सभी का पुनः एक बार स्वागत। कृषि विज्ञान का चैप्टर 2 पहला चैप्टर हो चुका है। आप लोग सभी लोग अपना फेयर कॉपी चेक करवा लेंगे, है ना। उसके बाद हम लोग आज चैप्टर 2 देखेंगे, जिसमें आपका टॉपिक है पदार्थों के गुण। इसमें सबसे पहला ये देखते कि पदार्थ क्या होता है। तो आप लोग को पता है कि पदार्थ 3 अवस्थाओं में पाया जाता है, ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है और गैस भी। उसका क्या क्या गुण होता है देखेंगे। तो जैसे कि पहला घनत्व क्या होता है, डेंसिटी, है ना। तो किसी पदार्थ के एकांक आयतन के द्रव्यमान को घनत्व बोलते हैं, या इसका इस प्रकार परिभाषित बोल सकते हैं कि द्रव्यमान और आयतन का जो अनुपात होता है वो क्या कहलाता है, घनत्व कहलाता है। घनत्व को स्मॉल डी से दर्शाते हैं, द्रव्यमान को स्मॉल एम से और आयतन को स्मॉल वी से। तो यहाँ पे देखते हैं कि आपको पता है कि जो ऊपर में रहता है बराबर, है ना, ऊपर में रहता है वो समानुपाती कहलाता है, और जो नीचे में रहता है वो क्या कहलाता है, व्युत्क्रमानुपाती। तो यहाँ पे डी व्युत्क्रमानुपात 1/V, मतलब कि आयतन बढ़ने पर घनत्व कम हो जाएगा और घनत्व ज़्यादा होने पर आयतन कम हो जाएगा। उल्टा, ये दोनों एक दूसरे के उल्टा होते हैं, इसको क्या पढ़ते हैं, व्युत्क्रमानुपात, है ना। तो यहाँ से इसका मात्रक देखेंगे, तो इसका मात्रक क्या मिलेगा, 3 मात्रक होता है, CGS, FPS और MKS। CGS का पूरा नाम होता है, है ना, ग्राम सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, FPS का फुट पर सेकेंड, और MKS का होता है मीटर किलोग्राम सेकेंड। तो वहाँ से आपका घनत्व ज्ञात करने का जो सूत्र होता है, इस प्रकार निकालेंगे, घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। तो इसको दो तरीके से निकाल सकते हैं, किसी ठोस का घनत्व और द्रव का। ठोस का अलग टाइप का घनत्व मिलेगा और द्रव का क्या होता है, अलग घनत्व मिलता है। हर किसी का, है ना, पानी का अलग होता है, लकड़ी का, हर किसी जितने भी पदार्थ हैं हर किसी का घनत्व अलग अलग होगा। तो इसमें से एक है आपका अपेक्षित घनत्व, किसे कहते हैं, आता है 2 नंबर का, है ना। तो किसी पदार्थ के निश्चित आयतन का द्रव्यमान तथा 4 डिग्री सेल्सियस ताप पर समान आयतन वाले पानी के द्रव्यमान के अनुपात को विशिष्ट गुरुत्व या अपेक्षित घनत्व कहते हैं। यहाँ पे ये याद रखेंगे कि किसी भी पदार्थ का जो आयतन का द्रव्यमान होता है, पदार्थ के निश्चित आयतन का द्रव्यमान और 4 डिग्री सेल्सियस ताप पर समान आयतन वाले पानी के द्रव्यमान के अनुपात को विशिष्ट गुरुत्व कहा जाता है। यहीं से आपका क्या बना है, अपेक्षित घनत्व। तो अपेक्षित घनत्व और में इस प्रकार का आपका संबंध भी है, घनत्व और अपेक्षित घनत्व, है ना आपका। उसके बाद अपेक्षित घनत्व ज्ञात करने की 2 विधि है, किसी द्रव का अपेक्षित घनत्व कैसे ज्ञात करते हैं, और एक है आपको किसी ठोस का अपेक्षित घनत्व कैसे ज्ञात करते हैं। इसका प्रेक्षण और गणना दिया है, आपको प्रेक्षण को लिख लेना है। उसके बाद है आर्किमिडीज का सिद्धांत। तो आप लोग देखे होंगे कि आप लोग का एक पत्थर को पानी में डुबोने पर पत्थर डूब जाता है, जबकि आपको क्या होता है, कागज़ का टुकड़ा को पानी में डुबाएंगे तो ऊपर तैरने लगेगा, या हल्का लकड़ी को। और एक तो इस प्रकार का लकड़ी लेते हैं कि उसका कुछ भाग पानी के ऊपर रहता है और कुछ भाग नीचे रहता है। तो वही आपका आर्किमिडीज का सिद्धांत है कि किसी भी अगर हम लोग ठोस को द्रव में अगर डुबाते हैं, है ना, तो क्या होता है, उसके भार में आप लोग देखना कमी भी होता है। एक पत्थर को पानी के अंदर अगर रखेंगे तो उसका भार धीरे धीरे कम होते जाता है, आप लोग आसानी से भारी पत्थर को उठा सकते हैं। तो इसको ऐसा परिभाषित कर सकते हैं कि जब कभी किसी ठोस को किसी द्रव में पूर्णतः या आंशिक रूप से डुबाया जाता है तो उसके भार में कमी हो जाता है, और यह कमी किसके द्वारा होता है, उसके द्वारा जो भी द्रव उसके द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। ये क्या है, आपका आर्किमिडीज का सिद्धांत है। उसके बाद आर्किमिडीज के सिद्धांत के यहाँ पे कई सारे उनका अपेक्षित घनत्व ज्ञात किए हैं, जो आप लोग का प्रयोग करना है, इसको लिखना नहीं है फेयर में, है ना। तो उसके बाद आप लोग क्या करेंगे कि अगला है प्लवन का नियम। प्लवन का नियम मतलब तैरने का सिद्धांत। तो हम लोग वही है कि वस्तु को डुबाएंगे तो ऊपर तैरेगा, एक बीच में रहता है और एक नीचे डूब जाता है। तो अगर क्या होगा कि पानी का भार वस्तु के भार से अधिक हो जाता है तो ऊपर तैरेगा, अगर वस्तु का भार कम होगा तो ऊपर, वस्तु का भार अधिक होगा तो नीचे, और दोनों अगर समान होंगे तो बीच में तैरने लगते हैं। ये आपका तैरने का सिद्धांत हुआ। उसके बाद आप लोग को प्लवन के सिद्धांत पर कुछ उदाहरण दिया है, आप लोग को उसको लिख लेना है। मनुष्य का तैरना, जीवन रक्षक पेटी, है ना, पनडुब्बी है। तो उसके बाद आप लोग का ना द्रव मापी, और मतलब जिसकी सहायता से हम लोग क्या करते हैं, द्रव का माप किया जाता है, क्या कहलाएगा, द्रव मापी। इसमें 2 है, निकोलसन मेथड है और एक है आप लोग का, उसके बाद है दुग्ध मापी, है ना, जिसके द्वारा दूध को मापा जाता है ना, जिसको लैक्टोमीटर के नाम से भी जाना जाता है। वायुमंडलीय दाब,
जहाँ पे हम लोग वाई के घेरे का पता करते हैं, इसको फर्स्ट चैप्टर में डीपली देख चुके हैं, है ना। तो आपका फिर दैनिक जीवन में क्या है, वायुमंडलीय दाब के कुछ उदाहरण हैं, इसको भी आप लोग को देखना है। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग कि मनुष्य के शरीर पर वायुमंडलीय दाब का क्या क्या प्रभाव पड़ता है उसको देखेंगे। उसके बाद वायुमंडलीय दाब मापी, है ना, वायुमंडलीय दाब मापने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग किया जाता है वायुमंडलीय दाब मापी या बेरोमीटर कहलाता है, बस परिभाषा लिखना है। उसके बाद आप लोग का आता है कि पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव क्या होता है कि आप लोग का क्या होता है, देखना, द्रव हमेशा एक तनाव की स्थिति में रहता है जिसको क्या कहा जाता है, पृष्ठ तनाव। आप लोग क्या करते हो, साम्यावस्था में द्रव के स्वतंत्र पृष्ठ हमेशा एक, है ना, भार की उपस्थिति में रहता है। जैसे कि आप लोग देखना छोटे छोटे बच्चे क्या करते हैं, एक स्प्रिंग लेते हैं, उसको आप लोग उसमें सर्फ या आपका एक फुब्बारा जैसा मिलता है जिसको फूकने से क्या होता है, ऊपर छोटे छोटे कण उड़ने लगते हैं, है ना, ये आपका पृष्ठ तनाव है। तो इस पृष्ठ तनाव का आपका मात्रक और विमीय सूत्र है जिसको आपको देखना है। उसके बाद यहाँ से बहुत सारे पृष्ठ तनाव के उदाहरण हैं जिसको आपको पढ़ना है कि कपड़ों को साफ करने पर साबुन सहायक हैं, पृष्ठ तनाव में कीड़े आसानी से मतलब पानी पर चलने लगते हैं ठंडे पानी के बजाय। हर एक उदाहरण को आपको एक बार पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद लास्ट टॉपिक है श्यानता, कि द्रव का वह गुण जिसके कारण प्रत्येक द्रव क्या होता है, अपने दूसरे पर्त का विरोध करता है। जैसे द्रव का पहला कण दूसरे का विरोध करेगा, दूसरा, तीसरा, तीसरा, चौथा का एक प्रकार एक दूसरे का विरोध करेंगे तो क्या कहलाता है आपका श्यानता, या गुण क्या कहलाता है श्यानता। इसकी प्रकृति तीन प्रकार की होती है, दाब, दाब और ताप, प्रकृति दाब और ताप पर। तो कुछ आंकिक प्रश्न दिया गया है। उसके बाद इसमें भी बुक के पीछे जितना क्वेश्चन है उसको आपको ढूंढ के लिखना है, जो भी नहीं मिलेगा आप लोग पूछ सकते हैं। और कल तक आपका दोनों चैप्टर आपको चेक करवाना है। धन्यवाद।